पॉइंट नंबर फर्स्ट बेसिस ऑफ चार्ज हो गया। इसके बाद पॉइंट टू प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड अपर टेनेंट, ये भी हो गया। थ्री अभी ओनर नहीं पढ़ाया, डीम्ड ओनर भी नहीं। देन पॉइंट नंबर फोर्थ हो गया। चलो इसके बाद पॉइंट नंबर सेवन हो गया। चलो अब सीधे आ जाओ पॉइंट नंबर टेंथ। पॉइंट नंबर टेंथ लिखो वहां पे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर टेंथ। क्या लिख लिया वहां पे हमने? वेरी इंपॉर्टेंट, अब याद रखना, जो भी अपन एचपी का कंप्यूटेशन बनाएंगे, जो भी हम काय का कंप्यूटेशन बनाएंगे एचपी का, तो ये फॉर्मेट बनेगा। सबसे पहला कॉलम काय का रहेगा? पर्टिकुलर। सबसे पहला कॉलम काय का रहेगा? पर्टिकुलर। और दो कॉलम काय के रहेंगे? अमाउंट। फर्स्ट वाले में क्या लिखा है? लेट आउट ऑब्लिक डीम टू बी लेट आउट। और सेकेंड में क्या लिखा है? सेल्फ ऑक्यूपाइड। कितने मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड? किसी भी दो मकान को आप क्या मान सकते हो? सेल्फ ऑक्यूपाइड। सेल्फ ऑक्यूपाइड की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेगी? नील, लिखते जाना। सेल्फ ऑक्यूपाइड की ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या रहेगी? नील। म्यूनिसिपल टैक्सेस नील। नेट एनुअल वैल्यू नील। स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट एप्लीकेबल। स्टैंडर्ड डिडक्शन नॉट एप्लीकेबल। इंटरेस्ट अलाउड। सिर्फ क्या क्या अलाउ रहेगा? इंटरेस्ट। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड से हमेशा क्या निकलेगा? लॉस। क्या सेल्फ ऑक्यूपाइड से कभी इनकम निकल सकती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड से इनकम कभी नहीं निकलेगी, हमेशा क्या निकलेगा? लॉस। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स। जो वैल्यू रिमेन होगी बचेगी वो क्या कहलाएगी? नेट एनुअल वैल्यू। उसमें क्या क्लेम करेंगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कौन से सेक्शन में? 24। तो 22 क्या था? चार्जिंग सेक्शन। 23 नेट एनुअल वैल्यू। 24 डिडक्शन। 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन। 24 बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। ये सब माइनस करने के बाद जो इनकम बचेगी वो क्या कहलाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और नेगेटिव में आया तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉफिट में आया तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। नेगेटिव में आया तो हाउस प्रॉपर्टी में हम क्या क्लेम करेंगे? डिडक्शंस। काय में से डिडक्शन अलाउ होते हैं? लिखते जाना, अलाउड फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू। डिडक्शंस काय में से अलाउ होते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। कितने डिडक्शन है? तीन, म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और थर्ड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो एचपी में कितने डिडक्शन मिलेंगे अपने को? कुल एचपी में हमें तीन डिडक्शन मिलते हैं। सबसे पहला म्यूनिसिपल टैक्स, सेकंड स्टैंडर्ड डिडक्शन और थर्ड इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाउस प्रॉपर्टी में कितने डिडक्शन है? तीन। फर्स्ट वन इज म्यूनिसिपल टैक्स, सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड डिडक्शन और थर्ड वन इज इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्लियर? तो आज अपन पूरी क्लास में एक ही काम सीखेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब बताओ, लेट आउट की बताऊं, डीम टू बी लेट आउट की बताऊं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड? सेल्फ ऑक्यूपाइड तो बताना ही नहीं है, उसकी जीएवी को ही क्या माना गया है? नील। सेल्फ ऑक्यूपाइड की ग्रॉस एनुअल वैल्यू को क्या माना है? नील। तो अपन कहां से स्टार्ट करेंगे? लेट आउट या डीम टू बी लेट आउट। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट पेज देखो, पूरा खाली है ब्लैंक। चलिए सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है। फैक्टर्स विच डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू। जो ब्लैंक स्पेस है ना
वहां पे ऐसे ही नोट करना है पूरा, पर पहले मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कितने फैक्टर्स हैं जो जीएवी डिटरमाइन में हेल्प करने में लगते हैं। सेवन, सबसे पहला म्यूनिसिपल वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं, सबसे पहला म्यूनिसिपल वैल्यू, उसके बाद फेयर रेंटल वैल्यू, उसके बाद स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट कहाँ से फिक्स होता है? आर सी ए, इट मीन्स रेंट कंट्रोल एक्ट, अपने काम का नहीं है। तो पहला फैक्टर कौन सा हो गया? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, सेकेंड फेयर रेंटल वैल्यू, थर्ड स्टैंडर्ड रेंट, फोर्थ एनुअल रेंट। व्हाट इज एनुअल रेंट? साल भर का जो रेंट रहेगा वो क्या कहलाएगा? एनुअल रेंट। उसके बाद अनरियलाइज्ड रेंट, उसके बाद लॉस ड्यू टू वैकेंसी, और सबसे लास्ट में क्या रहेगा? एक्चुअल रेंट। मतलब किसी भी मकान की अगर मुझे ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना है तो मुझे कितने फैक्टर्स मालूम होना चाहिए? सात। पहला फैक्टर म्यूनिसिपल वैल्यू, सेकेंड फेयर रेंटल वैल्यू, थर्ड स्टैंडर्ड रेंट, फोर्थ एनुअल रेंट, फिफ्थ व्हाट इज अनरियलाइज रेंट? जो रेंट ओनर टेनेंट से रिकवर नहीं कर पाता, दैट रेंट इज कॉल्ड अनरियलाइज्ड रेंट। उसके बाद लॉस ड्यू टू वैकेंसी, वैकेंट मतलब मकान खाली है तो रेंट मिलेगा कि नहीं, तो एक तरह से क्या है? लॉस। तो उसको क्या बोला जाएगा? लॉस ड्यू टू वैकेंसी। और लास्ट में क्या रहेगा? एक्चुअल रेंट। कितने फैक्टर्स हो गए? सात फैक्टर्स। पहले कॉर्नर पे सात हेडिंग डालो, फैक्टर्स विच डिटरमाइन जीएवी, और ये सात नोट करो, फिर राइट साइड में आगे। हाँ सब मिलेगा, पहले एक बार पूरा नोट तो करो, कोई क्वेरीज नहीं आएगी तुमको। क्लियर हो गया बेटा? तो सबसे पहले फैक्टर्स विच डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू, तो सबसे पहला फैक्टर क्या रहेगा? म्यूनिसिपल वैल्यू, सेकंड फैक्टर फेयर रेंटल वैल्यू, थर्ड फैक्टर स्टैंडर्ड रेंट, फोर्थ फैक्टर एनुअल रेंट, फिफ्थ अनरियलाइज रेंट, सिक्स लॉस ड्यू टू वैकेंसी, लास्ट में साल भर का रेंट क्या कहलाएगा? एनुअल रेंट। अब उस एनुअल रेंट में से दो महीने का रेंट नहीं मिला, एक्चुअल रेंट। मतलब एनुअल रेंट में से अनरियलाइज और वैकेंसी माइनस करने के बाद जो बचता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअल, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल। क्लियर? अब देखो मैंने कंप्यूटेशन कितने स्टेप्स में किया है? पांच। स्टेप वन में क्या लिखा है? कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो यहां से जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए कितने फैक्टर्स पे ध्यान देना है? तीन। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने में कितने फैक्टर्स पे ध्यान देना है? तीन। कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज मोर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। तो यहां से जो आएगा वो क्या कहलाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर? पक्का? स्टेप टू में क्या लिखा है? एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट, हो गया स्टेप टू। तो स्टेप वन में क्या कैलकुलेट करना है? एक्सपेक्टेड रेंट। स्टेप टू एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। स्टेप थ्री क्या निकालना है?
कैलकुलेट लॉस ड्यू टू वैकेंसी. अब तीन चीजें निकाल ली, वैकेंसी का लॉस, एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्चुअल रेंट में से क्या माइनस कर दिया, अनरियलाइज रेंट. अब स्टेप फोर में क्या किया, कंपेयर स्टेप वन एंड स्टेप टू, विच एवर इज मोर, जो ज्यादा है. फिर स्टेप फाइव में क्या किया, जो ज्यादा है उसमें से माइनस क्या कर दिया, लॉस ड्यू टू, थर्ड फोर्थ करके लॉस ड्यू टू वैकेंसी. ये जो माइनस करने के बाद अमाउंट बचेगा, दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू. मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए कितने स्टेप्स फॉलो करना है, पांच. स्टेप वन कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज मोर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. स्टेप टू एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट. स्टेप थ्री कैलकुलेट लॉस ड्यू टू वैकेंसी. स्टेप फोर कंपेयर वन एंड टू, विच एवर इज, जब भी इनकम की बात आती है तो डिपार्टमेंट क्या बोलता है, विच एवर इज मोर, और जब एक्सपेंस की बात आती है तो विच एवर इज लेस. आप समझ जाओ, बाकी मैं नहीं समझा रहा, मतलब अपना फायदा है तो क्या बोल रहा है, इनकम कैसे देखो, विच एवर इज मोर, और एक्सपेंस की बात आई तो विच एवर इज लेस. क्लियर, कितने स्टेप्स हो गए, पांच. आपको ऐसे ही याद करना है, जब अपन दो तीन क्वेश्चंस कर लेंगे तो पूरा फॉर्मेट याद हो जाएगा. कितने स्टेप्स में कैलकुलेशन है, पांच. सबसे पहला स्टेप कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज मोर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. स्टेप टू एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज रेंट. स्टेप थ्री लॉस ड्यू टू वैकेंसी. स्टेप फोर कंपेयर वन एंड टू, विच एवर इज मोर, इसमें से माइनस क्या करेंगे, वैकेंसी. सबसे लास्ट में क्या है, वैकेंसी, जो बैलेंस बचा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्चुअल रेंट कैसे, जो बैलेंस बचा ग्रॉस एनुअल वैल्यू. पेन मत खा, चला गया ना पेट में तो छुट्टी करना पड़ेगा बैच के.
क्लियर? कोई डाउट? तो कितने स्टेप्स में कैलकुलेट होगा? पांच. सबसे पहला कंपेयर म्यूनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज मोर बट सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट. स्टेप टू, एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट. स्टेप थ्री, कैलकुलेट लॉस ड्यू टू वैकेंसी. स्टेप फोर, वन एंड टू को कंपेयर करना, विच एवर इज मोर, इसमें से माइनस क्या करेंगे, वैकेंसी. जो बैलेंस बचेगा दैट विल बी कॉल्ड ग्रॉस एनुअल वैल्यू. जो बचेगा वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. क्लियर यहां तक? चलो नीचे देखो. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. वेयर अ प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ओन रेसिडेंस और अनऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, इट्स एनुअल वैल्यू विल बी निल प्रोवाइडेड नो अदर बेनिफिट इज डिराइव्ड बाय ओनर फ्रॉम सच प्रॉपर्टी. उस प्रॉपर्टी से आपको कोई दूसरा बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए. द रीजन एक्सप्रेशन अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी रेफर्स टू अ प्रॉपर्टी विच कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय ओनर बाय रीजन ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और प्रोफेशन एट अ डिफरेंट प्लेस एंड ही रेसाइड्स एट सच अदर प्लेस इन अ बिल्डिंग नॉट बिलोंगिंग टू हिम. सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी सिर्फ उसको मानेंगे जो साल भर खाली है या आप उसमें रह रहे हो और वो किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं हुई है. The benefit of nil annual value is available only for up to two self-occupied or unoccupied house properties for either one house property or two. मतलब कितने मकान को आप self-occupied मान सकते हो? एक या एक से ज़्यादा दो. तीन को मान सकते हैं क्या? क्या तीन self-occupied हो सकती हैं? हो सकती हैं. दो को क्या मानेंगे? Self-occupied. और एक को क्या मानेंगे? Deemed to be let out. The benefit of nil annual value in respect of up to self-occupied house property is available only to an individual or HUF. और ये benefit सिर्फ किसको मिलेगा? Individual or HUF. No deduction for municipal tax is allowed in respect of such property. मतलब जो self-occupied property है उसमें कितने deduction मिलेंगे? तीन की एक. सिर्फ एक ही मिलेगा. कौन सा? Interest on borrowed capital. कौन कौन से deduction नहीं मिलेंगे? म्यूनिसिपल टैक्स भी नहीं मिलेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगा. एचपी में कितने डिडक्शन अवेलेबल है? तीन. फर्स्ट म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. क्लियर? चलो पॉइंट 12 पे आ जाओ. क्या लिखा है अब? डिडक्ट म्यूनिसिपल टैक्स. चलो अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, आता ही एग्जाम में.
म्यूनिसिपल टैक्सेस लेवी काय पे होते हैं? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, नॉट वैल्यू. म्यूनिसिपल टैक्सेस काय पे लेवी होंगे? म्यूनिसिपल वैल्यू. तो म्यूनिसिपल वैल्यू अपन नहीं निकालते, वो दी रहती है क्वेश्चन में. तो म्यूनिसिपल टैक्सेस हमेशा काय पे लेवी होंगे? म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी. इसकी दो कंडीशंस है. सबसे पहले किसको पे करना है? ओनर. क्या टेनेंट पे कर सकता है? कर सकता है. डिडक्शन नहीं मिलेगा. डिडक्शन कब मिलेगा? जब म्यूनिसिपल टैक्सेस कौन पे करेगा? ओनर. और किस बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा? पेमेंट बेसिस. किस बेसिस पे डिडक्शन मिलेगा? पेमेंट. व्हाट इज पेमेंट बेसिस? पे किया होगा तो ही आपको क्या मिलेगा? डिडक्शन. क्लियर? तो म्यूनिसिपल टैक्स काय पे लेवी होता है? म्यूनिसिपल वैल्यू. डिडक्शन किसको मिलेगा? ओनर को, क्योंकि इनकम भी टैक्सेबल किसके पास हो रही है? ओनर. लेकिन ओनर को डिडक्शन कब मिलेगा? जब ओनर ने म्यूनिसिपल टैक्स को पे किया है. मतलब किस बेसिस पे? पेमेंट. म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू बट नॉट पेड, डिडक्शन नहीं मिलेगा. म्यूनिसिपल टैक्सेस ड्यू बट पेड, एडवांस म्यूनिसिपल टैक्स पेड मिलेगा. आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, अरे पे हो गया ना, बस कुछ भी हो आउटस्टैंडिंग है, पे तो हुआ ना. आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्स नहीं मिलेगा. आउटस्टैंडिंग म्यूनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर मिलेगा. मतलब डिडक्शन सिर्फ काय पे मिलेगा? पेमेंट. किसको पे करना है? ओनर. 1,00,000 म्यूनिसिपल टैक्स था, आधा ओनर ने पे किया, आधा टेनेंट. सिर्फ 50,000 मिलेगा. 50,000 में से 25,000 ड्यू बेसिस पे और 25,000 पेमेंट बेसिस पे. सिर्फ 25,000. क्लियर? प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है? आउटसाइड इंडिया. टैक्सेस लेविड बाय लोकल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, तब भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. प्रॉपर्टी इंडिया में तब तो मिलना ही मिलना है. अगर प्रॉपर्टी कहाँ पे है, म्यूनिसिपल टैक्सेस लगे भी कहाँ पर? आउटसाइड इंडिया. तब भी आप क्या क्लेम कर सकते हो? डिडक्शन. नोट करो.
क्लियर? प्रैक्टिकल बेटा कल ही स्टार्ट करेंगे ना, थ्योरी का कंपोनेंट पूरा कंप्लीट करेंगे। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। उस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से क्या माइनस करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स। म्यूनिसिपल टैक्स लेवी काय पे होंगे, म्यूनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। किसको पे करना है, ओनर, प्लस पेमेंट बेसिस। प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है, म्यूनिसिपल टैक्स पे किए, डिडक्शन मिलेगा। क्या इनकम पे तो टैक्स यहां देना पड़ेगा ना, है तो उसकी इनकम ना। बस क्लियर हो गया नोट? क्लियर? अब नीचे देखो क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। क्या लिखा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। द फॉलोइंग टू डिडक्शंस आर अवेलेबल। पहला डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, कौन सा सेक्शन है, 24A, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कौन सा सेक्शन है, 24B। अब मुझे बताओ हाउस प्रॉपर्टी में कितने डिडक्शन है, तीन, म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। हाउस प्रॉपर्टी में कितने डिडक्शन है, तीन, फर्स्ट वन इज म्यूनिसिपल टैक्स, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। म्यूनिसिपल टैक्स हो गया, अब देखो क्या दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 24 सबसेक्शन ए, लिखो स्मॉल ए। कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू इज डिडक्टेबल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द, अगर मेरा मकान है तो मकान के अगेंस्ट वाइट वॉश के खर्चे, डिप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, रिपेयर्स, जनरल मेंटेनेंस, तो ये कोई भी खर्चा माइनस नहीं करना। कितना माइनस करना है, 30% फिक्स। ज़्यादा हो सकते हैं 30% से, हो सकते हैं कम, हो सकते हैं, पर हम कितना फिक्स माइनस करेंगे, 30%। 30% क्या दिया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। 30% क्या दिया जाता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, सारे खर्चों को कवर करने के लिए। क्लियर? इसके बाद काय का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। कौन से सेक्शन में, 24 सबसेक्शन बी। कौन से सेक्शन में, 24 सबसेक्शन बी। क्लियर यहां तक बेटा? चलो पॉइंट नंबर 9 पहले आप रीड करो, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 9,
अब देखो काय की बात हो रही है, कंपोजिट रेंट, काय की बात हो रही है, कंपोजिट रेंट. द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी में समटाइम रिसीव्स रेंट. ओनर क्या रिसीव करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग का, तो मिलता ही मिलता है, साथ में अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और सर्विसेज. मतलब ओनर को जब बिल्डिंग के रेंट के साथ अदर एसेट्स प्लस सर्विसेज का रेंट रिसीव होता है, दैट रेंट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट. व्हाट इज कंपोजिट रेंट? जब ओनर को बिल्डिंग के रेंट के साथ अदर एसेट्स प्लस फैसिलिटीज का रेंट मिलता है, दैट रेंट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट. क्लियर यहां तक? द अमाउंट सो रिसीव्ड इज नोन एज कंपोजिट रेंट. तो कंपोजिट रेंट में कितने कॉम्बिनेशन होंगे? एक बिल्डिंग का हो सकता है, दूसरा अदर असेट्स प्लस सर्विसेज. अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ कंपोजिट रेंट. वेयर कंपोजिट रेंट इंक्लूड्स रेंट ऑफ बिल्डिंग एंड चार्जेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा, कंपोजिट रेंट हैज टू बी स्प्लिट अप इन द फॉलोइंग मैनर. सम एट्रीब्यूटेबल टू यूज ऑफ प्रॉपर्टी, उसका इनकम कहाँ जाएगा? HP. और अदर सर्विसेज का कहाँ जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और PGBP. क्लियर हुआ? मतलब ओनर अगर बिल्डिंग के साथ कुछ सर्विसेज दे रहा है तो बिल्डिंग का रेंट कहाँ जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी, सर्विसेज का PGBP और अदर सोर्सेज. क्लियर? मैनर ऑफ स्प्लिटिंग अप, इफ लेट आउट बिल्डिंग एंड अदर असेट्स आर इनसेपरेबल. व्हाट इज इनसेपरेबल? अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं? अलग अलग नहीं कर सकते. वे आर कंपोजिट रेंट रिसीव फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग एंड अदर एसेट्स लाइक फर्नीचर एंड टू लेटिंग्स आर नॉट सेपरेबल, दैट इज अदर पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग विदाउट असेट, देन रेंट इज टैक्सेबल आइदर एज बिजनेस इनकम और अदर सोर्सेज. अगर आप सेपरेट नहीं कर पाए तो रेंट कहाँ जाएगा? PGBP और अदर सोर्सेज. और उसी के नीचे देखिए, अगर आपने अलग अलग कर दिया तो बिल्डिंग का रेंट HP और अदर असेट्स का PGBP और अदर सोर्सेज. क्लियर? चलो अब देखो चार्ट्स की कॉपी में HP में कितने चार्ट्स हो गए? देखो चार्ट्स की कॉपी में कितने हो गए? तीन हो गए ना. पहला काय का बनाया था, एक फ्रेमवर्क बताया था, फिर उसके बाद सेक्शन फोर, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज. चलो अब नेक्स्ट चार्ट एक और नोट करो.
चलो ध्यान देना, काय की बात हो रही है? कंपोजिट रेंट, कंपोजिट रेंट में पहला देखो क्या है, बिल्डिंग प्लस फैसिलिटीज, क्या करना है इसको सेपरेट, बिल्डिंग का रेंट, हाउस प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। दूसरा केस बिल्डिंग प्लस असेट्स, पहली कंडीशन सेपरेबल, बिल्डिंग कहाँ जाएगा, एचपी, अदर असेट्स पीजीबीपी और अदर सोर्सेज इनसेपरेबल, क्लियर। एग्जाम में लिखना कैसे है, जैसे मैंने बुक में दिया है, याद कैसे रखना है, समझ में आया? वो पूरा एलोबरेट पढ़ लिया, ये चार्ट बना लो, खत्म, कंपोजिट ट्रेंड डन, करो कॉपी। अब समझ में आया कैसे? वो थ्योरी आपको एग्जाम में लिखना है, जो मैंने नोट्स में दिए ना उसी टाइप से, लेकिन वो हम अच्छे से कब लिख सकते हैं, जब ये चार्ट याद है। चार्ट बनाना नहीं है अपने को, ये एग्जाम में बनाने के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए, इसलिए मैंने उसको नोट्स कॉपी में लिया है, क्लियर। तो व्हाट इज कंपोजिट ट्रेंड, जब ओनर बिल्डिंग के साथ फैसिलिटीज और अदर एसेट्स देता है, दैट रेंट इज कॉल्ड कंपोजिट रेंट। उसका ट्रीटमेंट क्या है, पहला बिल्डिंग प्लस फैसिलिटीज, तो बिल्डिंग का रेंट एचपी, फैसिलिटीज का रेंट पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, वहां क्यों नोट कर लिया, उधर दूसरा चार्ट आएगा, दिमाग ज्यादा चलाना ही नहीं है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, जिधर बोल रहा हूं ना उधर पूरा गड़बड़ हो जाएगा, उस पर कुछ चिपका के लेके आना कला। बिल्डिंग प्लस फैसिलिटीज, तो बिल्डिंग का रेंट कहां जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी, फैसिलिटीज पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, लेकिन अगर बिल्डिंग प्लस अदर एसेट्स का केस है तो चेक करना है वेदर इट इज सेपरेबल और इनसेपरेबल, अगर अलग अलग रेंट पे दे सकते हैं दैट इज कॉल्ड सेपरेबल। तो बिल्डिंग का रेंट कहां जाएगा, एचपी, अदर एसेट्स पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, इनसेपरेबल है पीजीबीपी और अदर सोर्सेज, क्लियर डन। ये अपना काय का केस हो गया,
कंपोजिट रेंट, सिक्स पे आ जाओ, अदर स्पेशल एस्पेक्ट्स, पॉइंट नंबर सिक्स क्या दिया हुआ है, अदर स्पेशल एस्पेक्ट्स, उसमें सबसे पहले क्लब, इन केस ऑफ अ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अ क्लब एनुअल वैल्यू ऑफ क्लब हाउस इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअलिटी, मतलब इनकम हमेशा कहाँ से आना चाहिए, आउटसाइड, इनकम कहाँ से आना चाहिए, आउटसाइड, सरप्लस फ्रॉम म्यूचुअल एक्टिविटी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, इनकम हमेशा कहाँ से आना चाहिए, आउटसाइड, क्लियर फर्स्ट। अब नेक्स्ट देखो, रियल इस्टेट बिजनेस, एक कंपनी है काय में डील कर रही है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बाइंग एंड डेवलपिंग लैंडेड प्रॉपर्टीज, इनकम फ्रॉम अनसोल्ड प्रॉपर्टी लेट आउट इज टैक्सेबल अंडर द हेड, कंपनी का मेन काम क्या है, कंपनी का मेन काम क्या है, बाइंग एंड सेलिंग, लेकिन उसके पास कुछ प्रॉपर्टी अनसोल्ड बची थी, उसको उसने क्या किया, रेंट पे दे दिया, तो रेंटल इनकम कहां जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी, मकान को परचेस सेल करने में जो इनकम, पीजीपीपी। अब थर्ड क्या दिया है, रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल क्वार्टर, रेंट रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयज रेसिडेंशियल क्वार्टर, रेंट रिसीव फ्रॉम पार्ट ऑफ प्रोमाइसेस लेट आउट टू गवर्नमेंट फॉर लोकेटिंग ब्रांच ऑफ अ बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये सब कहां जाके टैक्सेबल होगा, पीजीबीपी, कल पढ़ा था ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही लिया था। इसके बाद क्या दिया है, सबलेटिंग, व्हाट इज सबलेटिंग, मैंने मकान आपको रेंट पे दिया, आपने किसी और को दे दिया, तो ये क्या कहलाता है, सबलेटिंग, सबलेटिंग से होने वाली इनकम कहां जाएगी, अदर सोर्सेज। ऐसा क्यों, इसका सिंपल रीजन ये है कि भाई सबलेटिंग अगर कर रहे हो तो आप क्या नहीं हो, ओनर, और हाउस प्रॉपर्टी का 22 क्या बोलता है, असेसी मस्ट बी ओनर, तीन कंडीशंस थी ना, पहली कंडीशन लैंड और बिल्डिंग अपर टेनेंट, सेकंड असेसी मस्ट बी ओनर, थर्ड प्रॉपर्टी किसी भी पर्पस के लिए यूज हो बट नॉट फॉर असेसीज ओन बिजनेस और प्रोफेशन। आप देखो कैसे इनकम है, लॉज कहां जाएगा, बिजनेस एक्टिविटी है ना, तो कहां जाएगा, पीजीबीपी। होटल की इनकम हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, होटल की इनकम कहां जाती है, एज अ एमओए ऑफ द कंपनी, ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी इज टू अक्वायर प्रॉपर्टी एंड टू अर्न इनकम, देन सच इनकम इज असेसेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर, ये सारे केसेस मालूम होना चाहिए। सेवंथ हो गया, चलो एट, पहले आप रीड करो। क्या लिखा है, कोनर, सेक्शन कौन सा लग रहा है, इफ प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन देन सच पर्सन आर नोन एज कोनर। कोई एक प्रॉपर्टी अगर उसके एक से ज्यादा ओनर है तो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ओनर्स क्या कहलाते हैं, कोनर। इफ रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ कोनर्स आर डेफिनेट एंड असर्टेनेबल, शेयर ऑफ ईच सच पर्सन इन कंप्यूटेड इनकम ऑफ प्रॉपर्टी शैल बी इंक्लूडेड इन इज, मान लो एक प्रॉपर्टी, मैं और मेरा दोस्त ओनर है, 50% वो ओनर है, 50% मैं ओनर हूँ, 1,00,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आई, 50,000 उसके हाथ में टैक्सेबल होगा, 50,000 मेरे हाथ में, प्रोविजन चेंज होगा क्या, प्रोविजन सेम रहेगा, सिर्फ इनकम को क्या करना है, प्रोपोर्शनेट। इट मे बी नोटेड दैट कोओनर्स आर नॉट टैक्सेबल एज एओपी, कोओनर को क्या ट्रीट नहीं किया जाता, एओपी ट्रीट नहीं किया जाता। चलो पॉइंट नंबर 15 पे आ जाओ, सेक्शन समरी, पॉइंट नंबर 15 क्या लिखा है, सेक्शन समरी, मिला बेटा। अब देखो सेक्शन समरी कहां से कहां तक आएगी, 22 से लेकर 22, पढ़ लिया, 22 क्या हो गया, चार्जिंग सेक्शन, इसके बाद 23,
22 क्या हो गया चार्जिंग सेक्शन, 23 नेट एनुअल वैल्यू, ट्वेंटी फोर डिडक्शन, ट्वेंटी फोर ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, ट्वेंटी फोर बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 25 अभी नहीं पढ़ाया, 25 ए डबल ए भी नहीं पढ़ाया, 26 पढ़ा दिया, क्या है को ओनर, और इसके बाद एक और सेक्शन मिलेगा ट्वेंटी सेवन, उसमें क्या लिखा रहेगा डीम्ड ओनर, 26 में क्या लिखा रहेगा को ओनर, 27 में क्या लिखा रहेगा, तो ओनर कितने टाइप के हो गए तीन, लीगल ओनर, डीम्ड ओनर और को ओनर। क्या हो गया 24 डिडक्शन, 24 ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24 बी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, 25 डबल ए ये कल पढ़ेंगे, 26 को ओनर, 27 डीम्ड ओनर, डन। चलो बस आज इतना ही, हाँ जितना पढ़ा दिया है ये रिवाइज कर लेना, कल एचपी की थ्योरी के कंसेप्ट पूरे हो जाएंगे, और कल ही मैं क्या चालू कर दूंगा प्रैक्टिकल, ये मान के चलना दो दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपन प्रैक्टिस करते जाएंगे वो अलग है, क्लियर।